मित्रों आज हम लेकर आए हैं देवों के देव महादेव का जन्म कैसे हुआ था और उनके माता पिता का क्या नाम था, कौन थे वो महान माता पिता जो देवों के देव महादेव को जन्म दिए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई है। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी ऐसी ही ये कहानी है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उसके निकलने वाले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ था। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंभे के रूप में महादेव उनके बीच में आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे के ऊपर हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी वाराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खंभा उनके न जन्म लेने और न मरने के प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को संहारक का दर्जा मिला हुआ है। हर कोई शिव भक्त इस बात को जानना चाहता है कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु के परे हैं। इसके साथ ही श्रीमती देवी पुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक और कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूं, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूं क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई। मित्रों इसके बाद इस दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्र मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के लिए केवल दो काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तीनों गति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पांच मुख हैं, एक से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और पांचवें मुख से नाभ।
यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं पांचों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। नमस्कार मित्रों, तो कैसी लगी यह स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव।